नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आज देखिए दोस्तों, हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टॉपिक समय दूरी का पार्ट थर्ड। इस टॉपिक के अंदर देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे अब रेलगाड़ी से संबंधित थोड़े प्रश्न और नाव और धारा वाला पोर्शन, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर करता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि ये मान लीजिए दो रेलगाड़ी या एक व्यक्ति या एक रेलगाड़ी, अगर इनकी दिशा समान हो तो दो देखिए दोस्तों समान दिशा, और एक रेलगाड़ी और एक व्यक्ति अगर इनकी दिशा विपरीत हो, इनकी दिशा क्या हो दोस्तों, विपरीत हो, तो हमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों, अगर ये बेसिक लॉजिक आप समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और समान दिशा में क्या होता है दोस्तों, अगर ये ए की चाल से जा रहा है और ये बी की चाल से, यहाँ भी ए की चाल और ये बी, समान दिशाओं में क्या होता है दोस्तों, चालों का अंतर काम आता है, और विपरीत दिशाओं में होता है दोस्तों चालों का योग। अंतर क्यों आता है दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए ये बराबर ये 60 की स्पीड से जा रहा है, ये 40 की स्पीड से, अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो इनके बीच गैप सिर्फ 20 का ही कवर होगा, लेकिन अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो ये इधर से 60 कवर करेगा, ये इधर से 40 कवर करेगा, तो एक ही घंटे में दूरी टोटल कवर कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर। इसी वजह से दोस्तों होता क्या है कि समान दिशाओं में घटाया जाता है और विपरीत दिशाओं में जोड़ा जाता है। अब इसके ऊपर प्रश्न कैसे बनेगा वो समझना बहुत जरूरी है। मैं प्रश्न लिखता हूँ आपके सामने, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों, कैसे बनेगा उस प्रश्न को समझना है, और वो समझ लिया दोस्तों तो कई दिक्कत नहीं आने वाली, और वो प्रश्न किस प्रकार बनेगा वो सुनिए। प्रश्न ऐसे है दोस्तों, एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मीटर लंबी रेल 80 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसी दिशा में भाग रही 30 मीटर प्रति सेकंड चाल वाले 30 मीटर प्रति सेकंड चाल वाले व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, ये आपको क्लियर करना है कि कितने समय में ये इसको पार कर लेगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अपन इसको क्लियर करते हैं। पहले ये जो रेलगाड़ी है ये है दोस्तों 1600 मीटर की, इसी दिशा में एक व्यक्ति भी भाग रहा है, ये व्यक्ति भाग रहा है, यहाँ से देखिए दोस्तों स्पीड दे रखी है 80 की, यहाँ से दे रखी है 30 की। अब आप बताइए दोस्तों, अभी हमने एक बात सीखी थी कि अगर इनकी डायरेक्शन सेम हो तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, चालों का अंतर काम में आता है, इनका डिफरेंसेस काम में आएगा। तो आप बताइए, ये 80 जाएगा, ये 30 जाएगा, तो इनके बीच गैप कितने का पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, चाल आ जाएगी अपनी 80 माइनस 30, तो आंसर कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है दूरी की, तो आप इंपॉर्टेंट बात सुनिए दोस्तों, ये जो रेलगाड़ी की लंबाई है हमेशा किसका काम करती है, दूरी का काम करती है। तो आप बताओ, रेलगाड़ी की लंबाई 1600 मीटर, तो चाल पता है, दूरी पता है, और समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा चाल। तो 0 से 0 5 × 3 = 15, 1 + 5 = 10, तो आप बताइए कितने सेकंड का समय लगेगा दोस्तों, 32 सेकंड का समय। तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है कि समान दिशाओं में चालों को घटाया जाएगा और विपरीत दिशाओं में चालों को जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न लिखता हूँ और मैं, कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होती तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे प्रश्न बनेगा वो सुनिए। देखिए ऐसे दे रखा है, दो रेलगाड़ी 1600 मीटर और 1400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से व 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रही है। कौन सी दिशा में जा रही है दोस्तों, विपरीत दिशा में जा रही है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी, कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। ये क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, कि एक 1600 मीटर और 1400 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां दे रखी है, पहले की स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो विपरीत दिशाओं में जा रही है, तो वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, देखिए दोस्तों डायग्राम बना दिया, तो यहाँ से क्लियर सुनिए।
ये है 1600 मीटर और ये है दोस्तों 1400 मीटर। तो 1600 मीटर और 1400 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, ये है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ये है दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये चल रही है दोस्तों विपरीत दिशा में। तो ये डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा थोड़ा, 1400 मीटर तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन से होगी। अब आप बताइए दोस्तों, हमारे पास ये 42 की स्पीड है, ये 30 की, तो मैंने अभी आपको बोला था विपरीत दिशाओं में चालों का योग आता है। तो आप बताइए 42 + 30 तो विपरीत में योग कितना बना 72, और आप बताओ इस 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप बताइए दोस्तों अपने पास दूरी कौन सी होगी। अब आप बताओ दोस्तों दूरी 1600 काम में आएगी या 1400 काम में आएगी। तो एक विशेष बात का ध्यान रखना है, चाहे दिशा समान चले चाहे दिशा विपरीत चले, आपको ये जो लंबाई है ये हमेशा दूरी का काम करेगी। अगर ये सेम डायरेक्शन भी होती तो भी यहाँ पर इन लंबाइयों को ऐड करना पड़ता 1600 + 1400, क्योंकि पार करने में ये भी दूरी चलनी पड़ती और ये भी दूरी, टोटल हो गया दोस्तों 3000। लेकिन ये चाल 72 है तो इस 72 को मीटर में बदलने के लिए 5/18, तो यहाँ से आ गया दोस्तों आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताइए दोस्तों, चाल पता है, दूरी पता और समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा चाल, तो यहाँ से आ गया दोस्तों 150 सेकेंड। तो ये क्लियर होना चाहिए दोस्तों परफेक्टली कि विपरीत दिशा या समान दिशाओं में दूरी तो कंफर्म काम आएगी। अगर ये सेम डायरेक्शन भी होता तो भी 3000 ही आता, लेकिन मैंने चालों को जोड़ना और घटाना सिखाया है कि विपरीत में चालों का योग आता तो बना 72, लेकिन 72 किलोमीटर था तो मीटर में बदला तो 5/18 तो आया 20। तो आप बताओ 3000 जाना है 20 की स्पीड से तो समय कितना लगेगा 150 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, सुनिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस प्रकार है, उसको अगर आप क्लियर आउट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रेलगाड़ी वाला प्रश्न है। देखिए दोस्तों आगे क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, दो शहर P व Q के मध्य की दूरी 450 किलोमीटर है। P व Q के मध्य की दूरी 450 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी सुबह आठ बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से P से Q की ओर जाती है तथा एक दूसरी रेल उसी समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर जाती है तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। तो वे कितने बजे लिखना दोस्तों, कितने बजे वह शहर पी से कितनी दूरी पर मिलेंगे या पार करेंगे, ये चीज आपको क्लियर करनी है, ये बताना आपको दोस्तों। पी और क्यू के मध्य की दूरी 450 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पी से क्यू जाती है और दूसरी रेलगाड़ी उसी समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से क्यू से पी की ओर जाती है। तो आपको ये बताना है तो वे कितने बजे और शहर पी से कितनी दूरी पर। थोड़ा डायग्राम बनाओगे दोस्तों थोड़ी बेटर रहेगा, उससे बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों मैं डायग्राम बनाता हूँ इन दोनों के लिए, ये पी से क्यू और ये क्यू से पी, ये 400 किलोमीटर की दूरी है हमारे पास। यहाँ पे स्पीड है दोस्तों 50 और यहाँ पे स्पीड है 40। अब आप एक इम्पोर्टेंट बात बताइए दोस्तों, दोनों की दिशा समान है या विपरीत। अब ये विपरीत और समान का पता कैसे चलेगा, एक रेलगाड़ी पी से क्यू की ओर जाती है दूसरी क्यू से पी की ओर आती है, तो डायरेक्शन हो गई ऑपोजिट्स। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में देखिए दोस्तों चालों का योग, तो चाल का योग कितना बनेगा दोस्तों, 50 + 40 कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप बताइए दोस्तों अपने पास दूरी कितनी है, 450 किलोमीटर। मैंने जोड़ा क्यों दोस्तों, वापस सुन लीजिए, विपरीत दिशाओं में चालों का योग। तो यहाँ बताइए चाल पता है, दूरी पता और समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा चाल, तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 5 घंटे। तो आप बताइए दोस्तों वे कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे, 5 घंटे। तो अपना पहला प्रश्न क्या था दोस्तों कि वे कितने बजे मिलेंगे। तो आप बताओ रवाना कितने बजे हुए थे अपन, 8 बजे।
तो 8 बजे रवाना हुए तो 5 घंटे बाद मिलेंगे, तो आप बताओ 8 बजे 5 यानी कितने बजे, 1 बजे, 8 और 5 13 होगा दोस्तों, 13 का मतलब रेलवे में 1 बजे। और दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, शहर पी से दूरी, तो दूरी बराबर होता है दोस्तों 4 × समय। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरा क्वेश्चन, दूरी बराबर होता है दोस्तों 4 × समय। तो आप बताओ पी वाले की दूरी बोली है, तो पी वाले की चाल 50 थी पर हमने कितने घंटे चला दोस्तों, 5 घंटे। तो आप बताओ 50 × 5 कितना, 250 किलोमीटर। और अगर क्यू वाले की भी डिस्टेंस पूछते तो यहाँ आता दोस्तों 40 × 5 कितना, 200 किलोमीटर। ये अगर क्यू वाले का पूछता, तो इन दोनों कंडीशन में देखिए दोस्तों 250 और 200 को जोड़ते तो आंसर आ जाता 450। तो बहुत ही ईजी कंसेप्ट था, वापस सुन लीजिए आराम से। 450 हमें जाना है, 50 और 40 90 की स्पीड से, तो कितने घंटे, 5। मैंने जोड़ा क्यों, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन, तो 5 घंटे। 8 बजे अगर अपन रवाना हुए तो पहुंचेंगे कितने बजे, 1 बजे। और पी से दूरी पूछिए तो 50 की स्पीड से 5 घंटे चलेंगे, दूरी 250। और क्यू से पूछे 40 की स्पीड से 5 घंटे, तो 200। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ टाइप रेलगाड़ी से संबंधित बचा हुआ था, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसको अच्छे से देखिए, 2-3 टाइप मैंने अभी बताया, उनको लिखिए कॉपी में। और अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी नाव और धारा वाला पार्ट इसीलिए हटाया कि उसको बिल्कुल अलग से सेपरेटली एक नाव और धारा का वीडियो बनाते हैं, अच्छा सा 20-15-20 क्वेश्चंस का, ताकि आप सेपरेटली उसको नोट्स बना पाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये रेलगाड़ी वाले जो बचे हुए प्रश्न, ये कॉपी में लिखिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कंटिन्यूसली रेलवे लोको मैथ्स नाम के प्लेलिस्ट को देखते रहें, और आपका सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।